कुछ भी कुछ भी कॉमेडी। ये बन गई हमारी चूल्हे पर की चिकन। हम लोग बना रहे हैं चूल्हे पर खाना आज। उल्टा मोबाइल लगाया, सही लगाया, उधर से बराबर दिख रहा है, उल्टा मोबाइल लगाया बोलते ही यहाँ से सही दिख रहा है। कहते हैं माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी मुझे जाने का है मार्केट, तो मार्केट भी जाने का है, आज संडे का दिन भी है और दूसरे भी काम है, तो मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ आप लोगों को दिखा। तो हम यहाँ बना रहे हैं चिकन की सब्जी चूल्हे पर बना रहे हैं, और बाजरे की रोटी। पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा हूँ आप लोगों को, जाहिर सी बात है अंधेरा लगेगा ना, क्योंकि हमने चूल्हा जो जलाया ना बहुत अंधेरे में जलाया है। तो आज बस जस्ट ऐसा ही चूल्हे पर का खाने कंदील लाना पड़ेगा बोलते इसके लिए। तो यहाँ पर जला ली हूँ मैंने चूल्हा, मतलब सेठ जी ने जलाया, मैंने नहीं जलाई चूल्हा। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चिकन की सब्जी। और ये जनाब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लाइट लेकर के आए हैं, बड़ा वाला टेबल के उसके ऊपर रखेंगे ना, क्योंकि उजाला कम आ रहा है ना, इस वजह से लाइट रखना पड़ेगा यहाँ। तो अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता, अंगार तो बहुत ज़्यादा ही बारीक है ना, उसकी वजह से बहुत जल रही है। तो प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ। और ये जो हम नीचे थोड़ा सा अदरक लहसुन कूट रहे हैं ना, तो ये अदरक लहसुन कूटा हुआ भी हम इसमें ऐड करेंगे, कूटे हुए अदरक लहसुन से क्या अच्छी लगती है सब्जी। तो ये अदरक लहसुन कूट करके हो चुका है, तो अदरक लहसुन भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें नहीं, थोड़ा सा मसाला भून के हो चुका है, तो मैं इसमें कर दे रही हूँ नमक ऐड, क्योंकि मैंने नहीं क्या चिकन उबालने को रखी हूँ ना, तो उसमें भी नमक और हल्दी डाली हूँ और थोड़ा सा तेल और प्याज डाली हूँ। चूल्हे के खाने का ये होता है कि इसके अंगारों को बहुत देखना पड़ता है बराबर से, वरना ना चूल्हे का खाना तो पता नहीं क्या हो जाए। और यहाँ पर मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगी मैं यहाँ। और थोड़ा सा नहीं क्या, मैंने यहाँ पर गरम मसाला ले ली हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और ये जो है ना, ये मेरा होममेड जो गरम मसाला होता है जो मैं बना के रखती हूँ, तो वो वाला गरम मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें है कलमी, इलायची, जायफल, जायपत्री का है ये मसाला, तो ये भी मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और इसको हम अच्छे से हल्दी ऐड कर दूँगी, हल्दी भी थोड़ा सा देख करके डाली क्योंकि हमने उसमें भी डाले हैं। अब ये मसाला हमारा हो गया है भून करके, तो अब हम इसमें लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, लाल मिर्ची आप टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो ये हमारा मसाला हो रहा है भून करके, अभी चिकन उधर में होने को है अभी। तो क्या आप खाना बनाओगे क्या? ये गंद लग रहा है। हाँ लग रहा है बोलते हैं, कुछ भी मत बताओ। देखो ना ये कैसा चल रहा है बता रहे हैं, ये देखो कितना अच्छा स्मूथली घूम रहा है, मसाला जल रहा है बता रहे हैं, कुछ भी कॉमेडी। तो ये मैंने चिकन को उबाल ली थी, इसमें मैंने डाल दी थी क्या हल्दी डाल दी थी, नमक डाल दी थी और थोड़ा सा प्याज और तेल डाल के मैंने इसको उबाल ली हूँ। और यहाँ पर ये मसाला भून के हो रहा है अच्छे से, गला क्या ठीक है, क्योंकि ये वाली मुर्गी जो हमारे पहली बार लाए हैं ना, इस वजह से समझ नहीं आ रहा है। तो मसाला तकरीबन भून के हो रहा है अभी। बुलेट कौन थी? बुलेट चिकन है बोलते भाई। अरे हाँ हो तो गया, अच्छा कर गया। सोसाइटी चाय पत्ती पे नहीं क्या, 1 पाव चावल लंबे वाले राइस जो होते हैं ना वो फ्री मिल रहे हैं, तो थे तो मैंने सोची कि इसके साथ वही बना लेती हूँ। अभी मैं फिलहाल सब्जी बन रही है और फिर इसके ऊपर बनाएंगे बाजरे की रोटी, चावल की रोटी बनाएंगे, बाजरे की नहीं बनाते, चावल की बनाएंगे। तुम चिकन डालो, हम दोनों खाना बनाते हैं। गोल वाला चम्मच। तो मसाला भून के तकरीबन हो चुका है, अब हम इसमें सारा चिकन ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो चिकन को मैंने हल्दी नमक डाल करके, थोड़ा सा तेल डाल करके पहले फ्राई कर लिया, और उसके बाद में नीचे से पानी था तो मैंने कुकर की सीटी लगा दी, पानी कुछ भी ऐड नहीं करी। और अब हम इसमें डाल दिए और इसको तकरीबन भून लेंगे 5 मिनट के लिए।
फिर शीरा डाल करके सब्जी का दी एंड। तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ, जितना आपको लगे शीरा उतना ऐड करें, इसमें आपकी मर्जी है। तो चलिए, जब तक कि मैंने यहाँ पर डाल दी इसमें नमक, और ये है बाजरे का आटा, हम बनाएंगे बाजरे का आटा। भिगा के रख देते हैं, जब तक मैं दो तीन ही रोटियां बना रही हूँ, ज्यादा नहीं बना रही। तो हमारी सब्जी हो चुकी है रेडी, अब हम इसको उतार लेते हैं, पक गई है अच्छे से। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बन चुकी है बिल्कुल। मैं क्या एकदम पास में नहीं लेकर के जा सकती। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने समार वगैरह सब कुछ ऐड कर दी हूँ इसमें। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर बाजरे की रोटी। तो उसके लिए ले ली हूँ मैंने ये जो बाजरे का आटा भी गई थी इसको, और इसको हमने क्या ऐसा ऐसा कर लेंगे ऐसी सिर्फ, और इसको नहीं क्या हमको, मेरे को भी उतने अच्छे से जमती नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं क्या इसको ऐसा हाथ पे ही ऐसे बेल लेता है, ऐसा 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 करती हूँ। इसको जितनी बड़ी हो सकती है आप उतनी बड़ी बना सकते हो इसको, जस्ट ऐसा हाथ पर बेल करके। मेरे से छोटी ही बनती है, बहुत बड़ी नहीं बनती है मुझसे, क्योंकि वैसे भी रोटियों का प्रॉब्लम है। चल ये अब ये आए, पता नहीं क्या निकालेंगे इसमें, नुक्स आ गए जनाब। छोटी छोटी चलेंगी ना, बहुत बड़ी बड़ी नहीं आती मेरे को रोटी बनाना। झिल्ली पर रखती है किसी का, और झिल्ली पे तुम्हारी निदा बना रही है, झिल्ली पे भतीजी, मतलब हमारी भतीजी का नाम है ना निदा। अभी भाभी जान वही बोल रहे थे, उनका फोन आया था, तो के निदा बोले झिल्ली के ऊपर बहुत पतली पतली रोटी बनाती है हाथ की, बट मेरे को ऐसी ही पसंद है, तो हम इसको ऐसा डाल दें। तो ये मैंने ऐसी ही बनाई हूँ बाजरे की रोटी। यहाँ पर इसको ऐसा ऐसा सेक करके, उतनी अच्छी तो प्रॉपर नहीं बनती है मेरे से रोटी वैसी भी। तो और फिर इसको हमने के यहाँ पर ये आटा ऐसा मैंने भिगा ली थी इसको, और इसको हमारे को नीचे इससे पल्ली की मदद से पलटाना है, क्योंकि चूल्हे पर का है ना, इस वजह से। तो ये ऐसी, क्योंकि चूल्हे की बाजरे की रोटी अलग लगती है, और ऐसी बाजरे की रोटी जो बनाते हैं वो अलग लगती है। तो आपको भी खाना है कि फिर थोड़ी देर से खा रहे हैं? मन नहीं खाऊंगा। तो बस अब हम इसको सेक लेंगे इस तरीके से। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, बाजरे की रोटी को चम्मच से आ भी नहीं रही है, और हम इसको ना ये कोयले पे सेक लेंगे इस तरीके से। इसको हमको पलटाते जाना पड़ेगा, क्योंकि कोयले पर भी नहीं क्या थोड़ा सेकना पड़ता है, और मोबाइल मेरा इधर उधर होते जा रहा है, मैं इसको ये कर रही हूँ। तो ये ऐसे सेक लेंगे चारों तरफ से, ताकि ऊपर में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में एक रोटी अलग सेक रही है। बन चुका है, और अब हम बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। चावल फलाई ना। तो ये बन गई हमारी चूल्हे पर की चिकन की सब्जी, ये हो गई हमारे बाजरे की रोटी, और ये हो गया हमारा जीरा राइस। जीरा राइस का तुमने देखी ही नहीं, मैंने ऐसे इसको गैस पे रख दी थी। अच्छा, एकदम से खिला खिला दाना बना है जीरा राइस का भी। इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए एकदम से ऐसा। आइए आप लोग भी खाने, अच्छी लग रही है, मतलब देसी मुर्गी के जैसे छोड़ी ना सालन इसका। बाजरे की रोटी के साथ में अलग टेस्ट आ रहा है।